2022 की अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। गांदरबल से बालटाल के रास्ते से होते हुए अमरनाथ गुफा तक जा रही यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बालटाल के रास्ते अमरनाथ यात्रा 14 किलोमीटर लंबी है। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यात्रा नहीं चल रही थी, लेकिन अब यात्रा शुरू होने वाली है तो प्रशासन उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आशा की जा रही है कि 2 साल के अंतराल के बाद शुरू होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहेगी, जिसको लेकर गांदरबल में प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल से की जाती है। बालटाल से होने वाली यात्रा का सफर पहलगाम के मुकाबले में कम रहता है। बालटाल के रास्ते गुफा तक यात्रा 14 किलोमीटर लंबी है और प्रशासन का कहना है कि ये रास्ता पूरी तरह से तैयार है। बालटाल से की जाने वाली यात्रा के लिए 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। 6 लकड़ी के पुल को बदलकर स्टील के पुल बनाए गए हैं ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। संगम से लेकर पंचतरणी के बीच के रास्ते में बर्फ को साफ करने का काम चल रहा है। आशा की जा रही है कि बर्फ 1 हफ्ते तक पूरी तरह से साफ कर दी जाएगी। यात्रा को सुरक्षित रखने के लिए रेस्क्यू टीम्स को भी लगाया गया है। जहां जहां पर रास्ता कठिन है और फिसलने का डर है, वहां पर रेस्क्यू टीम्स को लगा दिया गया है। इसके अलावा बालटाल से दुमेल के बीच के रास्ते में टाइलें भी लगा दी गई हैं और रेल पटरी तक के रास्ते को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। जिन लोगों ने बेस कैंप में लंगर लगाने हैं, वो भी अपने काम को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और बार बार लंगर के स्थानों का दौरा कर रहे हैं। जी, मेरा नाम परवेज अहमद है और हरिगंज से मैं बोल रहा हूँ। तो सर, हम तो यहाँ काम करने आए हैं, घोड़े वाले हैं, पोटर लेके मजदूर पालकी वाले, हम वेलकम करते हैं यात्रा का ताकि यात्रा आए तो जोर से आए, बड़े जोर से आए ताकि हम अपने मजदूरी लोग जो है मजदूरी करें। 2 साल से कोविड की वजह से नहीं आ पाए जो यात्रा, तो उसकी वजह से काफ़ी मजदूरों को, घोड़े वालों को बड़ी मुश्किल हुई है। इस बार उम्मीद रखते हैं कि यात्रा जोर से आएगा, बड़ी गौर से आएगा, तो हम इसकी बड़ी उम्मीदों से बैठे हैं। सर, सरकार की तरफ से बड़ा इस बार गौर चल रहा है, बड़ा जोर से काम चल रहा है। PWD ट्रैक बना रही है, अपने PDD वालों ने लाइट का इंतजाम किया, बाकी डिपार्टमेंट जो है फोर्सेस अपनी सप्लाइयाँ चढ़ा रही है, अपने कैंप फिट कर रहे हैं, तो शाइन बोर्ड भी अपना काम कर रहे हैं, बड़े गौर से काम कर रहा है। इस बार हम वेलकम करते हैं ताकि जो भी हमारे आवाज़ सुने, ताकि अच्छे तरीके से आए, यात्रा का कोई भी किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ताकि अच्छे तरीके से आए, अपना दर्शन करें, हम लोग भी अपना रोजगार चलाएं। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का रहने वाला हूँ। तो हमें 2 साल से कोरोना की बहुत दुख हुआ कि यात्रा कुछ भी नहीं हुई। इस साल हमें बहुत खुशी हुई कि यात्रा आने वाली है, तो इंतज़ाम भी बहुत हुआ है शाइन बोर्ड की तरफ से और बाकी एडमिशन की तरफ से, बहुत इंतज़ाम हुआ है कि यात्रा आने, और हम भी खुशी चाहते हैं कि हज़ारों लोग आए यहाँ कमाए, क्योंकि 2 साल से कुछ नहीं हुआ है। इस साल हमें बहुत खुशी हो रही है, घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, बाकी टेंट वाले हैं, हज़ारों लोग कमाएंगे सर, और हमारे भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह यात्री अच्छी से अच्छे होने चाहिए। अमरनाथ यात्रा को लेकर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्याम भीर का कहना है कि अमरनाथ यात्रा 2022 अच्छे ढंग से चलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है और यात्रियों को किसी भी तरह की कोई भी कमी पेशी नहीं आने देंगे। हम लोगों ने यात्रा के लिए सारे उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारा पूरा डिपार्टमेंट, इरिगेशन हो चाहे वो हमारे PWD हो चाहे हमारे PDD हो, सारे विभाग अभी इस काम में लगे हुए हैं और हम लोग जल्द ही इस यात्रा की सारी तैयारियों को पूरा कर लेंगे। और हमारी पूरी अपेक्षा है कि लोगों का भी हमको भरपूर सहयोग मिलेगा। लोग जो कि मैंने लोगों के बीच में भी देखा है कि लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर, क्योंकि 2 साल के बाद यह यात्रा हो रही है और हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि इस बार यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सुगम तरीके से।